गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फोकस्ड कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी जो सभी तरह के मार्केट कैप वाली 30 कंपनियों में निवेश करती है। पोर्टफोलियो में कम स्टॉक होने के चलते बेहतर क्वालिटी पर इनका फोकस ज्यादा होता है, पर ऐसे फंड अस्थिर भी होते हैं, मतलब वॉलेटाइल। फोकस फंड में निवेश के क्या है फायदे, जोखिम के बारे में भी आज हम समझेंगे अपने शो में। साथ ही फोकस फंड में निवेश करने का क्या ये सही समय है, इस पर चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी और एडलवाइज एएमसी के एक्विटीज के सीआईओ त्रिदीप भट्टाचार्य। हेमंत जी और त्रिदीप जी, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु में आज। और सबसे पहले जानना ये बेहद जरूरी है हम, क्योंकि एक बहुत ही कंपैरेटिवली एक न्यू कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी की। त्रिदीप जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे ग्रॉस कैटेगरीज, जितना हम इक्विटीज के बारे में जानते हैं, फोकस्ड एक कंपैरेटिवली शायद हो सकता है लेसर नोन कैटेगरी है फॉर इन्वेस्टर्स। मैं आपसे थोड़ा सा एक बेसिक जानना चाहूंगी, फोकस्ड फंड या फोकस्ड कैटेगरी क्या स्पेशल होता है इसमें? तो नमस्कार, और मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। फोकस्ड कैटेगरी जो होता है ये अल्टीमेटली एक फंड होता है जो कि 25-30 स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली पोजीशन साइजेस इसमें हाई कन्विक्शन बेट्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको फोकस कैटेगरी बोलते हैं। बट मेन चीज जो ये है कि जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये तीन कैटेगरी के स्टॉक लिस्टेड होते हैं मार्केट में। इसमें हर तीनों जगहों से अगर हम बेस्ट पिक्स अगर हम लेकर आए सामने, तो ऐसे कुछ चुनिंदे स्टॉक हम 25-30 लाने की कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए लाभदायक हो 3-5 साल के दौरान। इस तरीके का एक पोर्टफोलियो होता है। इसमें मतलब लॉन्ग टर्म स्टडी काफी किया गया है इस एरिया में ग्लोबली, ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी है और देखा गया है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें इस टाइप के फंड्स में, तो अल्फा जो कहते हैं वो अच्छी बन सकती है। एब्सोल्युटली हेमंत जी, जैसा कि प्रदीप भी बता रहे हैं कि अधिकतम 30 शेयरों में निवेश होता है इस कैटेगरी का, दैट मींस बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स पर भरोसा किया जाता है और वही पिक एंड चूज किए जाते हैं। आपके हिसाब से फोकस कैटेगरी की खासियत क्या है? क्या ये है सिर्फ कि चुनिंदा 30 स्टॉक में इसका निवेश है, जिसमें फंड मैनेजर के पास ये आजादी है कि वो अक्रॉस मार्केट कैप्स, किसी भी मार्केट कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं? क्या बेनिफिट्स हैं एक फोकस्ड फंड के? ये स्वाति, मैं कहूंगा कि जब आप इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपकी पहली जो फोकस रहता है वो रहता है कि आप कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करें और विद इन इक्विटी जो है आप कोशिश करते हैं कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए। तो जब आप एक थोड़े से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आई थिंक इट मेक सेंस कि आप ऐसी फंड्स कैटेगरीज को देखें जहां पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट फिलोसफीज को फॉलो करने का आपको मौका मिले। आई थिंक मैं कहूंगा कि उसमें से एक जो फोकस कैटेगरी है ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक तो ये है कि सेबी की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि 65% एक्सपोजर जो है वो इक्विटी में होना चाहिए और मैक्सिमम स्टॉक जो आप रख सकते हैं एक किसी भी फोकस फंड में वो 30 स्टॉक्स रख सकते हैं। मतलब ये दो चीजें सिर्फ कही गई है, मतलब फंड मैनेजर के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितना एक्सपोजर इक्विटी में करना चाहते हैं और विद इन इक्विटी कितना एक्सपोजर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में करना चाहते हैं, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना एलोकेशन इक्विटी में करें। और उसके अंदर इन्वेस्टर्स के लिए डिसाइड करना कभी कभी काफी चैलेंजिंग होता है कि कितना पैसा हमारा डिफरेंट सेगमेंट में जाए। तो यहाँ पे आई थिंक क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर वो आप अमूमन जो हमने देखा है कि जो फंड इस कैटेगरी के वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को फॉलो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं कि कंसंट्रेटेड बेट्स, क्योंकि 30 स्टॉक है
तो ऑब्वियसली जैसा सुदीप जी ने कहा कि वो हाई कन्विक्शन बेट्स होती हैं, इसका मतलब यह है कि इन स्टॉक्स के ऊपर काफी रिसर्च होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है रिटर्न का काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हाई कन्विक्शन बेट्स है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि जब अगर वो कन्विक्शन बेट्स जो है आपकी, वो अगर सही तरीके से पैन आउट नहीं होती है या वो सही नहीं निकलती है, तो उसमें काफी बड़ा रिस्क है। तो मुझे लगता है काफी रिसर्च इसमें की जाती है और कोशिश ये की जाती है, और उसमें भी अलग अलग डिफरेंट फिलोसफीज फंड हाउस फॉलो करते हैं कि किस तरीके से वो 30 स्टॉक्स को चुनेंगे। कंसंट्रेटेड बेट्स है, पोटेंशियल ज्यादा है रिटर्न का, लेकिन ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी का रिस्क ज्यादा है। लेकिन सेक्टर लेवल पे मैं कहूंगा कि ये फंड ज्यादातर मैंने देखा है ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए डिफरेंट सेक्टर्स में अगर इंडस्ट्री लीडर्स को चुन रहे हैं तो सेक्टर लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन हाँ स्टॉक लेवल पे कंसंट्रेशन है बट उसमें पोटेंशियल है, और ये आपके पोर्टफोलियो में एक इस तरह का एडिशन है कि आपके अगर आप सही सही फंड चुने तो आपकी परफॉर्मेंस जो है सुधर सकती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि 20 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो फोकस कैटेगरी का होता है। तो त्रिदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है ये, यहाँ पर क्या ये एक रिस्क फैक्टर एक फोकस कैटेगरी का बन सकता है? बिकॉज जैसा हेमंत जी बता रहे हैं कि डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर है, बट विद इन, क्योंकि बहुत ही छोटा एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है इस पूरे कैटेगरी के पोर्टफोलियो में, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर किसी कोई एक आस्पेक्ट डाउन चल रहा है मार्केट की वोलेटिलिटी में, तो हो सकता है कि किसी के पोर्टफोलियो में वो एक रिस्क बढ़ाने का काम करे। तो एक फोकस कैटेगरी के रिस्क या डाउन साइड क्या हो सकते हैं जो कि एक निवेशक को जानना और समझना जरूरी है? तो पहली बात तो जस्ट जो पहले डिस्कशन है उसमें एक स्टडी मैं कोट करना चाहूंगा जिसको जो कि फोकस इन्वेस्टिंग के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स में की गई, क्योंकि वहां पे लंबे समय तक का डेटा मिलता है, ये काफी पॉपुलर है ग्लोबली इंडिया में भी। उन्होंने एक स्टडी किया मिस्टर बेसिल बाइंडर, जो कि 100 साल का उन्होंने स्टॉक रिटर्न देखा S&P 500 का, एंड और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि कितने स्टॉक हैं जो कि ये पूरा 100 साल का रिटर्न को एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं। और जो उन्होंने पाया वो ये है कि ओनली 4% ऑफ द स्टॉक्स एक्चुअली एक्सप्लेन द एंटायर S&P 500 रिटर्न, द रेस्ट 96% जो है वो केवल टीबल रिटर्न मतलब बॉन्ड रिटर्न के मुताबिक रिटर्न जनरेट करते हैं। तो वाइल इंडिया में इतना लंबा 100 साल का डेटा नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप 20-25 साल का डेटा ले तो एक्चुअली कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही होते हैं जो सारे आपका जो मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न्स डिफाइन करते हैं। तो इसलिए देयर इज एनफ एविडेंस टू शो दैट फोकस्ड इन्वेस्टिंग एक्चुअली वर्क्स, और खोज हमेशा ये रहती है कि टू फाइंड दैट दैट 4% ऑफ द स्टॉक्स व्हिच रियली मेक ऑल द डिफरेंस। इस मामले में इन दैट, ये तो हो गया रिटर्न की बात, अब आपने पूछा रिस्क की बात। तो रिस्क के मामले में दो तरीके से हम डिस्कस करने की सोचते हैं, पर्टिकुलरली काइंड ऑफ यू नो फोकस कैटेगरी में, और स्पेसिफिकली हम जो फंड ला रहे हैं उसमें जो सोच रहे हैं उस पर थोड़ी देर बाद में आते हैं। बट फ्रॉम अ कैटेगरी स्टैंड पॉइंट जो स्टॉप लॉस का प्रोसीजर होता है वो क्रिटिकल होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आपके जिस जो देख के आपने खरीदा है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा हो, तो उसको कितने पहले कितने जल्दी उसमें से आप निकल पाए वो एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होता है। अलग अलग एएमसी की अलग अलग इसमें चिंताधारणा होती है। जो हमारी है वो ये है कि अगर पिछले 3 महीने में कोई स्टॉक 15% अंडर परफॉर्म करे जो हमने लिया हो उसके बाद से, तो हम उसको एक खासा यू नो डिटेल में गौर कर पाते हैं, और अगर वहां से और थोड़ा सा मतलब नीचे जाता दिखे तो वहां पे हम एक्टिव बेट कर भी कर लेते हैं। ये जस्ट एज एन एग्जांपल है, ये काफी डिटेल फ्रेमवर्क है, बट ये जस्ट टू गिव योर व्यूअर्स द कंफर्ट दैट जबकि कंसंट्रेशन बेट्स हम लेते हैं, दूसरे तरफ अगर हम गलत जा रहे हो तो जल्दी काटने का भी हमारे पास क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क कह लीजिए या फिर प्रोसेस है जो हम अपने प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि लॉस ज्यादा ना हो। सो दैट इज हाउ आई वुड आंसर द रिस्क। द अदर पार्ट इज जैसे जो हम लोग ये फोकस फंड ला रहे हैं इसमें हम 3 थीम में फोकस कर रहे हैं, एक हो गया ब्रांड, दूसरा हो गया मार्केट शेयर गेनर्स, तीसरा है इनोवेशन। ये जो थीम्स है ये मतलब इंडिया के रेलिवेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट थीम्स है अगले 10 साल,
तो ये अगर मान लीजिए इकोनॉमी में उथल पुथल नियर टर्म में थोड़ी ज्यादा होती भी है तो भी ये सारी कंपनी जो इसमें स्कीम में फिट होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होती है, तो थोड़ा बहुत वहां पे कंफर्ट रहता है इन्वेस्टर्स को। हम देना चाहते हैं कि अगर वोलेटिलिटी है तो सामने अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन तीन थीम को अगर देखें तो दैट इज द अदर रीजन हाउ वी मिटिगेट द रिस्क इन द इन दिस पर्टिकुलर फंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑल राइट हेमंत जी, ये जानना समझना जरूरी भी है कि कोई एक इन्वेस्टर के लिए एक जो फोकस्ड फंड है, बिकॉज जब हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं हमारे पास लार्ज कैप फंड्स होते हैं, देन देयर इज अ स्मॉल कैप या मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, इक्विटी बास्केट में तो बहुत सारे फंड्स हैं। अब फोकस में ऑलरेडी हम देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप, मतलब इट एक्ट्स एज अ फ्लेक्सी कैप फंड, कुछ लार्ज कैप ड्रिवन होते हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप ड्रिवन होते हैं। किसी के एक पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत या किस तरीके से कोई पोर्टफोलियो में एक फोकस्ड फंड ऐड कर सकता है? देखिए सॉरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड बेट्स हैं तो ऑब्वियसली हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में मैं इसको डेफिनेटली डालूंगा, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड बेट्स लेते हैं और आपकी अगर बेट्स अच्छी हैं, आपने वेल रिसर्च स्टॉक लिए हैं, आपकी स्टॉक सिलेक्शन अगर अच्छी है, तो एज ए फंड मैनेजर आप जो नॉर्मल जो वेल डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड रहता है उससे बेहतर आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, किसी भी नए इन्वेस्टर्स के लिए जब वो शुरुआत में जब इक्विटी में डालते हैं तो पहला उनका फोकस रहता है कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करने के न्यूएंसेस क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो वहां पे मुझे लगता है कि आपका फोकस जो है एज एन इन्वेस्टर वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स पे होना चाहिए। पर जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बार आपका एक पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन जाते हैं, आप समझते हैं कि इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, फंड सिलेक्शन अगर आपका ठीक हो और आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसी स्ट्रेटजीज को भी देखना पड़ता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को कैसे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है पहली बात तो अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है और आप समझते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग को, तो आई थिंक वहां पे एक मेरे हिसाब से ये फोकस्ड फंड जो है वो काफी अच्छा एडिशन हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अगर आप आज की डेट में अगर थोड़ा एनालिसिस करें जो फ्लेक्सी का जो जो फोकस फंड है मार्केट में, आई थिंक ये एक क्रेडिट जाता है फंड मैनेजर्स को कि आप देखेंगे कि तो ज्यादा एलोकेशन जो है 65-85% वो इस समय पे लार्ज कैप में है और 15-20% जो है वो मिड कैप में है और स्मॉल कैप में बहुत कम है। तो वहां पे भी कोशिश ये की जाती है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से पोर्टफोलियो को चेंज करना है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये कैटेगरी क्योंकि कंसंट्रेटेड बेट्स है तो रिस्की है, कोशिश वहां पे फंड मैनेजर्स की वही रहती है किस तरीके से इसको रिस्क कम किया जाए। तो अगर आप नए इन्वेस्टर भी हैं और अगर आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि SIP में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको एवरेजिंग कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से, तो नए निवेशक भी इसको देख सकते हैं। पर ज्यादा मुझे लगता है सुटेबिलिटी जो है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो और इसके अटेंडेंट रिस्क को समझते हो। बट डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा, इस कैटेगरी में पोटेंशियल है कि आपके ओवरऑल अगर आप सही प्रपोर्शन में इसको लें, जैसा आपने पूछा कितना होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है उसका 10% तो एटलीस्ट आप एक किसी फोकस फंड में या फोकस कैटेगरी में लगा सकते हो ताकि उसका फायदा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न में बने। ओके, एक ब्रेक के लिए चलिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद क्या फोकस कैटेगरी में ऐसे बाजार में कभी उतार कभी चढ़ाव, बेसिकली अस्थिर बाजार में निवेश करना क्या सही है, क्या इसकी वजह हो सकती है, ये भी समझेंगे। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फोकस्ड फंड कैटेगरी की, इसकी खासियत क्या है, अभी क्या निवेश करने का सही समय है फोकस्ड फंड्स में। हमारे साथ चर्चा में शामिल है हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और त्रिदीप भट्टाचार्य, CIO इक्विटीज एडवाइस AMC। त्रिदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कह रहे हैं वाई फोकस्ड फंड, अभी फोकस्ड फंड में निवेश करने का क्या फायदा हो सकता है, और खासतौर पर वोलेटिलिटी में एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड कैसे स्थिरता प्रदान कर सकता है? पहली बात तो ये कि जहां वोलेटिलिटी होती है वहां मिसप्राइसिंग होती है, और जहां मिसप्राइसिंग होती है सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द मार्केट में मिसप्राइसिंग ज्यादा हो सकती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई कैटेगरी ऐसा है
जहां पे कि सेबी डिफाइंड मार्केट लिमिट्स ना हो कि आपको इतना परसेंटेज लार्ज कैप में होल्ड करना है, इतना परसेंट मिड कैप में होल्ड करना है, इतना परसेंट स्मॉल कैप में होल्ड करना है, तो आप केवल उन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करेंगे जहां के कि ये वोलेटिलिटी के दौरान आपको मिसप्राइसिंग दिख रही है। और ऐसा यूजुअली देखा गया है कि मतलब मिसप्राइसिंग बहुत ज्यादा 100-150 स्टॉक में मिलना मुश्किल होता है, कम स्टॉक्स में ज्यादा मिलना पसंद कर मिलना हो पाता है। इसलिए वोलेटिलिटी में जहां पे सबसे ज्यादा मिसप्राइसिंग हो वहां इन्वेस्ट करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years पैसे बनने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ऑन ए फोकस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ यू नो वोलेटिलिटी टू कीप एन आई ऑन वेयर मिसप्राइसिंग इज द की टू इन्वेस्टिंग। और अभी के माहौल में अगर हम देखें तो आप कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए या न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, हर जगह नेगेटिव न्यूज की भरमार है। जब हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि ऑलमोस्ट प्राइस सो यू नो द लास्ट 20 to 25% इसको टाइम कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे माहौल में जहां की चारों तरफ बहुत सारा नेगेटिव न्यूज है और काफी समय से चल रहा है, पिछले 6-9 महीने से चल ही रहा है, तो इस माहौल में मिसप्राइसिंग जो है उसको कैपिटलाइज करने के लिए आई थिंक फोकस कैटेगरी में इट गिव्स यू द फ्रीडम टू हंट फॉर बेस्ट आइडियाज अक्रॉस मार्केट कैप एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली फ्रॉम अ 3-year पर्सपेक्टिव। तो यही मैं मालूम करता हूँ कि वोलेटिलिटी का समय जो है वो मिसप्राइसिंग ढूंढने के लिए बेहतर होता है। ये स्टेबिलिटी से ज्यादा अल्फा कैटेगरी होगा मेरे ख्याल में, अल्फा क्रिएशन कैटेगरी होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर ना चाहिए कि इस मिसप्राइसिंग को हम कैसे कैपिटलाइज करें वोलेटिलिटी टाइम्स में, एक फोकस फंड में इन्वेस्टमेंट वुड बी हेल्पफुल। ओके ओके सर। हेमंत जी, अराउंड 3 से 5 साल जैसा त्रिदीप कह रहे हैं कि अराउंड 3 to 5 year का एक नजरिया फोकस कैटेगरी के सही है। बेसिकली एक पोर्टफोलियो जो अभी कोई अपना बना रहे हैं वो कैसे प्लेस करें एक फोकस्ड फंड को। आपने कहा कि हाँ चलिए 10% तक का एलोकेशन आप फोकस फंड में दे सकते हैं 3 से 5 साल के निवेश के लिए, और आपने ये भी कहा कि एक नए निवेशक को थोड़ा सा सोच समझकर एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से उसके बाद निवेश करना चाहिए। पर किस स्टेज में वो एक निवेशक है वो भी डिपेंड करता है, वो भी मैटर करता है कि कैसे आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए जब आप फोकस फंड में निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, आई थिंक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि जब आप फोकस फंड को देखते हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसके अटेंडेंट रिस्क और उसके जो पोटेंशियल है उसको आप समझ के आप डिसीजन लेते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा एडिशन पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। किस स्टेज पे करें, अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा कि चाहे आप नए निवेशक हों चाहे आप एक्सपीरियंस निवेशक हो, दोनों के लिए मुझे लगता है इसकी जगह है। और इनफैक्ट अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से इवन फोकस फंड की एलोकेशन विद इन सेगमेंट्स को इस तरीके से हमने चेंज होते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो अपना पैसा आप देते हैं फंड मैनेजर को, तो कुछ चीज़ें तो कुछ डिसीजन जो है आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ने होंगे किस तरह से एलोकेशन और डिफरेंट सेगमेंट्स में विद इन सेगमेंट किस तरह के स्टॉक हों और किस तरीके से उसमें रीबैलेंसिंग हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो फंड मैनेजर हमने देखा है अगर हम एनालिसिस करें जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें भी कि ये अच्छे से हुआ है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो मेरा तो हमेशा ये मानना है कि इक्विटी में आपका जो जब आप नजरिया देखते हैं तो वो लंबा होना चाहिए, स्पेशली अगर आप SIP से इन्वेस्ट करें तो और भी ज़्यादा लंबा होना चाहिए। तो वो तो एक देखिए हमेशा एक गिवन है कि जब आप इक्विटी फंड में जाते हो तो कम से कम 5 साल का आपका टाइम होराइजन होना ही चाहिए, उससे कम अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट टाइमिंग करके थोड़ा फायदा उठाया जाए, जो हमेशा आपके फेवर में काम नहीं करेगा। लंबा नजरिया रखिए, एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए, और विद इन एसेट एलोकेशन जो इक्विटी का आपका एलोकेशन है कोशिश कीजिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज के फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, ताकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज का वेल डाइवर्सिफिकेशन का भी और कंसंट्रेशन का भी आपको फायदा अपने पोर्टफोलियो में मिले। ओके त्रिदीप, एक नए फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या हो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कोई नया फंड बाजार में आए, फोकस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो SIP के जरिए निवेश करना सही है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि नए फंड को क्या थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप करने तक के लिए वेट करना चाहिए,
या फिर एक उस सब्सक्रिप्शन पीरियड में ही निवेश करना चाहिए, या जो सब्सक्रिप्शन पीरियड में निवेश करे वो कैसा निवेशक हो, या थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप करने का इंतजार किया जाए? मेरे ख्याल से मिक्स एंड मैच माइट बी अ गुड वे टू गो अबाउट इट। जब ये एनएफओ पीरियड होता है उसमें यू नो द एनएवी स्टार्ट्स फ्रॉम 10, और इसलिए जब इन्वेस्टर आते हैं वो शुरुआती तौर पे यू नो इन्वेस्टर बन जाते हैं, बट जैसे मेरे यू नो सहमत कह रहे थे कि मतलब इसमें एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो है वो उनके तरफ उनका ध्यान होगा, तो जहाँ पे ऐसे लगे तो जो अगर एनएफओ में करेंगे वो लमसम कहा जाएगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो किया जाएगा वो एसआईपी होगा। तो मेरे ख्याल में एनएफओ पीरियड में थोड़ा सा लमसम करना चाहिए एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे पोर्टफोलियो बनता दिखे, जैसे कंफर्ट आए उसमें थोड़ा सा एसआईपी भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो क्या बोलते हैं फोकस फंड का फायदा वो यह होता है कि कभी कभी दैट जब हम उसी समय लाने की कोशिश करते हैं जब जहाँ पे कि थोड़ा सा मार्केट का मार्केट हमको लगता है कि कठिन परिस्थिति में है, so from that perspective थोड़ा शायद पैसा डालना टाइम but market timing is a tough one, वो किसी को मालूम नहीं होता, इसलिए the mix of lump sum and SIP is a good way to go about it from an investment standpoint. All right. तो ये फोकस कैटेगरी फंड की बात हुई, निवेश आप इसमें करें क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है, चुनिंदा 30 स्टॉक में फोकस कैटेगरी के फंड निवेश करते हैं जिसमें अक्रॉस द मार्केट कैप लार्ज हो गया, मिड हो गया, स्मॉल, इनफैक्ट मोर ऑफ लार्ज और मिड कैप के फंड इसमें शामिल होते हैं। इसके फायदे बताने के लिए, इसमें क्या पॉसिबल जोखिम हो सकते हैं वो बताने के लिए हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हेमंत रुस्तगी और त्रिदीप भट्टाचार्य, आप दोनों का। आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल हुए और फोकस कैटेगरी पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, पर ब्रेक पर जाने से पहले आपके पास भी कोई सवाल है अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ तो जरूर पूछिए हमसे। हमारा तरीका हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अपने सवाल के साथ अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। प्रॉपरली अपने गोल्स डिफाइन करके अपने फंड्स के नाम लिखकर आप अपना सवाल हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582222666। @ZBusiness हमारा ट्विटर हैंडल है, @ZBusiness ऑनलाइन फेसबुक पर सवाल पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल करें, हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। अगले एपिसोड में हम आपका सवाल शो में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी बिजनेस। We'll be right back.